एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ़ so सो फर्स्टली हम ये देखेंगे कि लास्ट टेंथ क्लास में हमने देखा था इन्हेरीटेंस का मतलब जब मैंडलीन ने बोला था कि inheritance क्या होता है उसने बोला था कि पेरेंट्स के कुछ कुछ सिम्टम्स मतलब उसने बोला था फैक्टर्स बोला था उसने कि पेरेंट्स के कुछ कुछ फैक्टर्स वर्ड यूज़ करा था जो एन सी आर टी में भी है कि फैक्टर्स पेरेंट्स के कुछ कुछ uh, उसकी जनरेशन में भी दिखते मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते मतलब पेरेंट्स के उसके बेटे बेटी सब मतलब उनमें उसके फैक्टर्स दिखते उससे तो उसने फैक्टर बोला था तो फिर फ्रेडरिज मिशन ने न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर करा था 1869 में और उसने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन बोला था इस चैप्टर में यही देखेंगे उसने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन बोला था तो न्यूक्लिक मोस्टली न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स के होते हैं डी एंड आर फर्स्टली uh, अपन देखेंगे डीएनए एन ए में uh, तो जो डीएनए होता है अपन उसे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं उसे अपन डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि शुगर में एक ओ कम रहता है इसलिए इसको डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है मोस्टली आर एन ए का जो आर एन ए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है तो उसके अंदर दो ओ एच रहते हैं कि दो ओ एच रहते हैं तो ये आर एन ए का स्ट्रक्चर है शुगर का और इसमें डीएनए में सिर्फ एक आ, एक ओ मतलब एक ओ नहीं रहता है सिर्फ एक ओ ही रहता है मतलब ये ओ ये जो है, ओ है यहाँ पर ओ एच है तो इसमें ये नहीं रहेगा इसमें ये सिर्फ एच ही रहेगा तो इसलिए डीएनए को डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है तो जिसमें जि, ये इसमें जो डी आर एन ए का ये स्ट्रक्चर है और ये डी एन ए का स्ट्रक्चर है अब अपन ये देखेंगे कि अपन ने सबसे पहले तो ये देख लिया कि डी एन ए को क्यू डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है अब अपन देखेंगे आर एन ए आर एन ए थ्री टाइप्स के होते हैं एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है आर आर एन ए जो राइबो राइबोशोमल राइबोशोमल आरएनए आर एन ए होता है तो ये थ्री टाइप्स के आर एन ए होते हैं एम आर एन ए टी आर एन ए और आर आर एन ए तो अब ये देखेंगे कि पहले डी एन ए बनता है या आर एन ए बनता है तो डी एन ए से आर एन ए बनता है डी एन ए से आर एन ए बनता है उसको ट्रांस ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं डीएनए एन ए से आर एन बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और आर से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रा, ट्रांसलेशन बोलते हैं ये क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स नीट नीट में ये क्वेश्चन आए और एन में ये दिया हुआ है कि डी से आर बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं सो so, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आर से अगर डी बन रहा है आर से डी तो बनता नहीं है पर वायरस जैसे कि एड्स का वायरस एच वायरस वो आर एन ए से डीएनए बनाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उस प्रोसेस को बोला जाता है ठीक है अब उसके बाद पढ़ेंगे कि डीएनए होता क्या है डीएनए एक पॉली चेन है मतलब पॉली न्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई चेन न्यूक्लियोटाइड 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 से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई चेन और इसका स्ट्रक्चर डबल डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है मतलब एक इधर भी चेन है और एक इधर भी चेन है मतलब ये पॉली न्यू और ये जो दोनों चेन है वो न्यूक्लियोटाइड 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 से बनी है अब अपन ये देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है तो न्यूक्लोटाइड न्यूक्लोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप के दोनों दोनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड अब न्यूक्लोसाइड कैसे बनता है तो अपन उसे देखेंगे तो वो शुगर और नाइट्रोजन बेस से बनता है अब यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे बनता है तो अपन ये देखेंगे कि सबसे पहले अपन ने इसमें देखा कि न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले, पहले क्या बनाना पड़ेगा अपन को न्यूक्लियोसाइड बनाना पड़ेगा अपन को तो अपन को न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो अपन सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड भी बन जाएगा तो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है न्यूक्लियोसाइड बनता है एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस लेके अब नाइट्रोजन बेस क्या होता है तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन बेस ये होता है एक नाइट्रोजन बेस के दो टाइप्स होते हैं एक प्यूरिन होते हैं एक पिरामिडीन होते हैं तो प्यूरिन क्या होता है प्यूरिन नाइन मेंबर्स की मतलब डबल डबल चेन रहती है मतलब दो चेन ये दो चेन रहेंगी ये प्यूरिन रहता है और पिरामिडीन की एक सिंगल चेन रहती है तो प्यूरिन दो चेन दो चेन वालों को प्यूरिन कहा जाता है और सिंगल चेन वालों को पिरामिडीन कहा जाता है तो ये नाइन मेंबर्स की रिंग रहती है प्यूरिन की नाइन मेंबर्स की रिंग रहती है तो देखेंगे कि प्यूरिन क्या होता है पिरामिडिन क्या होता है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि प्यूरिन क्या होता है प्यूरिन होता है टू रिंग रहती है इसमें टू रिंग रहती है तो वो नाइन मेंबर की रिंग रहेंगी तो पहली के अंदर कौन सी रहेंगी जो पिरामिडिन की रिंग है सबसे पहली वाली पिरामिडिन रिंग और सेकंड वाली इमिडाजोल रिंग रहेंगी तो इसमें ये दोनों रिंग कैसी जो प्योरिंग की रिंग रहती है वो रहती है आ, दो नाइट्रोजन और फोर कार्बन की रहती है मतलब ये फर्स्ट वाली रिंग दो नाइट्रोजन ये दो नाइट्रोजन और ये फोर कार्बन फर्स्ट वाली दो नाइट्रोजन की रिंग और फोर कार्बन की रिंग अब जो ये सेकेंड वाली है ये इमिडाजोल रिंग इमिडाजोल रिंग कितने की रहती है दो नाइट्रोजन की और तीन कार्बन की रिंग रहती है पिरामिडिंग अब ये पिरामिडिन है तो इसकी भी दो नाइट्रोजन और चार कार्बन की रिंग रहेंगी अब अपन ये रखेंगे कि ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है तो ऐसे ही पिरामिडिन का स्ट्रक्चर भी रहता है ये प्यूरिन होता है प्यूरिन की रिंग कैसे मतलब शुगर के साथ प्यूरिन की रिंग ये देखेंगे अपन कि प्यूरिन की रिंग शुगर के साथ कैसे फॉर्म होती है तो और क्या कैसे कौन सा मतलब कौन सा लिंक बनाती है तो उसमें अपन इसमें इस चार्ट में देखेंगे अपन ये तो देख लिया प्यूरिन क्या होता है पिरामिडिन क्या होता है नाइट्रोजन बेस के दो टाइप्स रहते हैं प्यूरिन और पिरामिडिन तो ये है शुगर ये कौन सी शुगर है ये डीएनए की शुगर है क्योंकि इसमें ओ एक ओ नहीं है ये डी ऑक्सीडो एसिड की शुगर है तो ये ये क्या है ये प्यूरिन क्योंकि ये डबल डबल चेन है ना ये डबल चेन है इसकी तो ये प्यूरिन है तो ये किससे अटैच होती है ये जो शुगर है डी की वो प्यूरिन के नाइन्थ वाले नंबर नाइन्थ वाले के नंबर के कार्बन से आ, मतलब बॉन्ड बनाती है तो वो कौन सा बॉन्ड बनाती है एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो जब नाइट्रोजन बेस के प्यूरिन प्यूरिन से बना रही है तो वो पिरामिडीन से भी बनाएंगी तो अभी अपन ने इसमें सिर्फ प्यूरिन को शो करा है तो अगर पिरामिडीन से अगर वो चेन बनाएंगी तो ये अगर वो पिरामिडीन से चेन बनाएंगी तो शुगर डी एन अगर पिरामिडीन से बनाएंगी तो वो उसके फर्स्ट वाले नाइट्रोजन से अटैच होंगी और अगर वो प्यूरिन से बनाएंगी तो नाइन्थ वाले नाइट्रोजन से अटैच होंगी वो मतलब बॉन्ड बनाएंगी तो वो पिरामिडीन से बनाएँ या प्यूरिन से बनाए जो भी वो मतलब जिससे भी नाइन्थ वाले या फर्स्ट वाले नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाए तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगी एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये वाला बॉन्ड बनाएंगी अब इसने जब इससे अटैच होके शुगर ने नाइट्रोजन बेस के प्यूरिन से अटैच हो के पिरामिडिन से भी अटैच होंगी तो वो वही करेंगी तो इसने न्यूक्लोसाइड बना लिया अब जब इसने अपना न्यूक्लोसाइड बन चुका है तो अपन अब आप न्यूक्लोटाइट बना सकते हैं तो अपन कैसे न्यूक्लियोटाइट बनाएंगे तो उसमें क्या बोला था कि न्यूक्लियोटाइट बनने के लिए अपन को क्या चाहिए न्यूक्लियोटाइट बनने के लिए अपन को न्यूक्लोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप चाहिए तो अब उनको न्यूक्लोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप चाहिए तो अपन को सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप लेना पड़ेगा तो ये फॉस्फेट ग्रुप ये फॉस्फेट ग्रुप ये इसके साथ मतलब पूरे ये पूरे इसके साथ ये इसके ये तो पूरा बॉन्ड बना, बना ही चुका है ना एंडकोसाइडिक बॉन्ड बना ही चुका है ये पूरे लिंकेज बॉन्ड बना चुका है तो ये एक पार्ट हो गया तो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इनके साथ जुड़ के न्यूक्लोटाइट बनाएगा मतलब न्यूक्लोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ के ये न्यूक्लोसाइड है ये पूरा न्यूक्लोसाइड बन गया ये न्यूक्लोसाइड के साथ न्यूक्लोसाइड और ये फॉस्फेट के साथ जुड़ के ये न्यूक्लोटाइट बनाएगा तो ये अपना एक न्यूक्लोटाइट भी बन चुका है तो जब अपना न्यूक्लोटाइट बन चुका है तो ये न्यूक्लोटाइट क्या से बना से अपन ने ये भी देख ली ये देखेंगे कि डीएनए और आरएनए में फर्क किस चीज का रहता है तो कॉमन आरएनए और डीएनए में साइटोसिन तो प्रेजेंट रहता ही रहता है बट डीएनए डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट रहता है और आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट रहता है आप सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि डीएनए एसिडिक है या बेस है तो डीएनए एसिडिक है तो क्यों डीएनए एसिडिक है क्योंकि इसमें फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है वो फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है तो इसलिए डीएनए एसिडिक है तो डीएनए एसिडिक है तो आर भी एसिडिक है दोनों मतलब साथ के भाई बहन वही समझो और उसके बाद आप देखेंगे कि अब न्यूक्लियोटाइड अपन ने देख लिया कि अपन ने पूरा न्यूक्लियोटाइड कैसे बना तो अब न्यूक्लियोटाइड अब डीएनए कैसे बनता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड ये मतलब न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लोटाइड न्यूक्लियोटाइड से ही बनता है और आर एन ए भी न्यूक्लियोटाइड 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 से बनता है पर यह सिंगल स्टैंडर्ड रहता है आरएनए और डीएनए डबल स्टैंडर्ड रहता है आप दोनों ही ये जो डीएनए है ये मोनोमर है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है क्यों डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड अपन ने पहले ही देख लिया है कि शुगर में एक वो कम रहता है तो इसलिए इसको डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक बोलते हैं और आर में इसका वो भी पॉली न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि ये भी बहुत सारे पॉली पॉली न्यूक्लियोटाइड पॉली न्यूक्लियोटाइड इसलिए पॉली मरे बहुत सारे पॉली न्यूक्लियोटाइड पॉली न्यूक्लियोटाइड से बनाया हुआ समझ ही गए होंगे कि पॉली न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं अब अपन देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लोटाइड होता है अब उसके अंदर उसके भी थ्री कंपोनेंट्स रहते हैं एक पेंटो शुगर फॉस्फेट ग्रुप नाइट्रोजन बेस ये तो मैं समझा ही चुकी हूँ पहले कि पेंटो शुगर में पांच कार्बन एटम्स रह, रहते हैं शुगर आर एन ए की आर एन ए की शुगर में दो मतलब ओ एच मतलब पूरे कंप्लीट रहते हैं और जो डी एन ए में एक ओ कम रहता है ये तो वही है कि पेंटो शुगर और ये नोट्स है बहुत प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं इसमें से नोट भी कर सकते हो फॉस्फेट ग्रुप एसिडिक मतलब एसिडिक रहता है इसलिए नेगेटिव चार्ज रह है और वो फुल मतलब नेगेटिवली चार्ज रहता है और वो बैकबोन बना मतलब ये पॉली और ये फॉर्म करता है बैकबोन पॉली की आ, शुगर के साथ मिलके ये फॉस्फेट ग्रुप जो शुगर के साथ मिल के ये फॉर्म करता है बैकबोन पॉली की बैकबोन को फॉर्म करता है ये बहुत मेन पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है ये क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में और उसमें क्योंकि नीट के लिए तो सबसे ज़्यादा है कि एनसीईआरटी ही पढ़ो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है डीएनए आरएनए और ये फिंगर टिप्स में भी क्वेश्चन है अगर हुआ तो मैं आगे इसके क्वेश्चन भी मतलब शेयर करूँगी पूरे फिंगर टिप्स के क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ पूरे कंप्लीटली जितने भी क्वेश्चन आए हैं ऑब्जेक्टिव हर जगह से और ये शुगर ये फॉस्फेट ग्रुप शुगर के साथ मतलब फॉस्फे स्टरबोन बनाता है ये ये मैं बताना भूल गई थी कि जब ये फॉस्फेट ये न्यूक्लियोटाइड ये फॉस्फेट ग्रुप जब इन न्यूक्लियोसाइड्स के पूरे हिस्से जुड़ता है और ये जब फॉस्फेट ग्रुप ये शुगर के साथ ये शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाता है ये जब शुगर के साथ ये फॉस्फोस्टर ईस्टर बॉन्ड बनाता है न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाता है ठीक है और ये जो न्यूक्लियोसाइड जब शुगर के साथ एक नाइट्रो मतलब नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस ही बोलो वो प्लूरिन हो पिरामिडिन हो तो वो एन एनग्लाइकोसिक लिंकेज वाला बॉन्ड बनाएंगे और ये जब फॉस्फेट ग्रुप शुगर के साथ जुड़ेगा तो वो फॉस्फोइर बॉन्ड बनाएगा यही है कि ना इसमें ये देख वो तो अब देखेंगे कि नाइट्रोजन बेस क्या होता है वो मतलब कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड विथ प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस मतलब ये नाइट्रोजन कंपाउंड मतलब ये कंटेन करता है नाइट्रोजन कंपाउंड को मतलब बेस के साथ जिससे नाइट्रोजन बेस बोलते हैं ऑब्वियसली इसका तो यही है इट हैज टू टाइप्स मैंने बता चुकी हूँ कि पिरामिडिन रिंग रहती है इमिडि रिंग रहती है पिरामिडिन में वन रिंग कंपोस्ट ऑफ टू नाइट्रोजन कितने का नाइट्रोजन का रहता है और ये नोट है ये नोट है अगर पिरामिडिन आ जाए प्योरिन की जगह एक सिंगल सिंगल वाला अगर सिंगल वाला आ जाए तो ये सिंगल वाला पिरामिडिन आ जाए प्योरिन तो जो के जो नाइट्रोजन है ना वो फर्स्ट वाले फर्स्ट वाले शुगर के साथ फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा शुगर के साथ अगर पिरामिडिन आ जाए और अगर प्योरिन आ जाए तो नाइन्थ तो वाला नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा शुगर के साथ ये तो मतलब रट लेना कि क्योंकि अगर इन दोनों में कंफ्यूजन होती है और फर्स्ट वाली रिंग को पिरामिडिंग रिंग बोलेंगे प्यूरिंग की और सेकंड वाली को इमिडाजोल रिंग बोलेंगे जिसमें टू एन और थ्री कार्बन रहते हैं बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई न्यू चैनल क्योंकि ये न्यू ही बनाए और शेयर भी करो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू